क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हॉकिंस नाम के एक छोटे से शहर से, जहां हम नवंबर 1983 का सीन देखते हैं, जहां हॉकिंस की मेन लैब में एक साइंटिस्ट बुरी तरह से डरकर भाग रहा होता है। और वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाता है, लेकिन तभी कोई चीज अचानक से ऊपर से आकर उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है। फिर अगले ही सीन में हम चार दोस्तों को देखते हैं, जो कि कहानी की मेन कैरेक्टर्स हैं। उनमें एक का नाम माइक होता है, एक का नाम विल होता है, एक डस्टन और एक उनका और दोस्त, जो चारों मिलकर माइक के घर एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर माइक की मॉम आकर उन सबको गेम बंद करने के लिए कहती है। इसीलिए लोग गेम बंद करके अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले डस्टन माइक की बड़ी बहन से मिलता है, जिसका नाम नैन्सी होता है, जो कि उससे बात नहीं करती और उसे इग्नोर कर देती है। अब वो लोग घर जा रही थी, रात हो गई थी और काफी अंधेरा भी था। विल अपनी साइकिल पर अपने घर जा ही रहा होता है, तो तभी अचानक से बीच रास्ते में उसे किसी का काला साया दिखता है, जिसको देखकर विल काफी डर जाता है, काफी घबरा जाता है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकलता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से उसकी साइकिल का बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो अब यहाँ पर विल साइकिल को वहीं पर ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही वहाँ से भागकर एक जगह पर जाकर छुप जाता है, जो कि असल में एक घर होता है। वहाँ रखी हुई एक गन को वो उठाता है और डरते डरते वो उस गन को दरवाजे पर करता है। लेकिन तभी अचानक से विल भी यहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह हम विल की मॉम और उसके भाई को देखते हैं। विल की मॉम का नाम होता है जॉयस। यहाँ ये दोनों बातें कर रही होती हैं और इन्हें पता चलता है कि कल रात से ही विल घर वापस नहीं आया। अब उन लोगों को रात में विल के बारे में इसीलिए पता नहीं चल पाया क्योंकि असल में इन दोनों की नाइट शिफ्ट होती है। यहाँ विल की मॉम जॉयस फौरन ही माइक के घर पर फोन लगाती है, जहाँ वो उनसे विल के बारे में पूछती है कि क्या कल रात विल आपके घर पर रुका था, जिस पर माइक की मॉम उनको बताती है कि नहीं तो विल तो कल रात ही यहाँ से चला गया था। तभी सुनते ही जॉयस काफी घबरा जाती है और साथ ही वो अपने बेटे विल के भाई को भी काफी डांटती है कि आखिर क्यों तुमने बगैर बताए नाइट शिफ्ट की। फिर विल का भाई अपनी मॉम को रिलैक्स करता है कि आप फिक्र मत कीजिए, विल बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब यहाँ से जॉयस सीधा जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो विल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। अब यहाँ का जो चीफ ऑफिसर होता है उसका नाम हॉपर होता है, जो कि जॉयस का एक काफी अच्छा दोस्त भी होता है। इसलिए वो यहाँ पर जॉयस को समझाता है कि तुम इतना ना घबराओ, हो सकता है कि विल किसी रिश्तेदार के घर पर चला गया हो या फिर उसके फादर के घर पर, क्योंकि हॉकिंस एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर मुश्किल से ही क्राइम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जॉयस के कहने पर विल को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन हम स्कूल में विल के तीनों दोस्तों को देखते हैं, जो कि समझ रहे थे कि शायद विल स्कूल आ गया होगा। अगले सीन में हम नैन्सी को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं, जो कॉलेज के सबसे समझदार लड़के स्टीव के बारे में बातें कर रही होती हैं। उधर हॉकिंस लैब में मेन डायरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम डॉक्टर ब्रेनर होता है, क्योंकि उस साइंटिस्ट के गायब होने के बाद वो खुद यहाँ पर आकर ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं। यहाँ पर वो किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक अजीब से दरवाजे से निकला होता है। लैब के पूरे ईस्टर्न पार्ट को एक घंटे में खाली करके सील कर दिया जाता है, ताकि वो जो चीज है वो वहाँ से बाहर ना निकल सके। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर एक लड़की के बारे में भी पूछते हैं, जो कि मौके का फायदा उठाकर लैब से भाग गई थी, जिसके बाद वो लड़की एक होटल में जाती है। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है, इसीलिए होटल का ऑनर उसको खाना खिलाता है। और वो बच्ची दिखने में काफी अजीब और मिस्टीरियस लग रही थी। तब ऑनर की काफी पूछने पर वो लड़की अपना नाम बताती है, वो कहती है मेरा नाम 11 है। तब ऑनर को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर किसी का नाम 11 भी हो सकता है। इसीलिए ऑनर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, लेकिन 11 किसी भी बात का जवाब नहीं देती। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उसको बातचीत करना आती ही ना हो, कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको वो शायद बोल सकती है। इसके बाद ऑनर पुलिस को कॉल करके 11 के बारे में बताता है, ताकि वो सही सलामत उसे उसके घर पर भेज सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि 11 अपनी आंखों से वहाँ पर पड़े एक टेबल फैन को बंद कर देती है। अब ये देखकर यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि असल में 11 के पास सुपर पावर्स है। अगले दिन हॉपर स्कूल में आकर विल के फ्रेंड्स को बताता है कि तुम्हारा दोस्त विल रात से गायब है, इसलिए हॉपर उनसे भी विल के बारे में पूछता है। उधर हॉकिंस लैब के लोग 11 को ढूंढने के लिए उसी होटल में पहुंच जाते हैं। असल में इनको पुलिस ने ही इन्फॉर्म किया था कि आखिर 11 इस टाइम कहां पर है, यानी कि वो उस होटल में है, इसीलिए तो उस लैब के लोग यहां पर पहुंच गए थे। लेकिन 11 वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो लोग होटल के ऑनर को मार देते हैं। उधर हॉपर अपने
टीम के साथ विल को ढूंढ रहा होता है, जहाँ उसे विल की साइकिल मिल जाती है। उधर जॉयस भी अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है, जिस दौरान हमें ये पता चलता है कि असल में जॉयस के घर के फोन को ट्रैक किया जा रहा है। अब रात को एक सर्च टीम को विल को ढूंढने के लिए भेजा जाता है और विल के तीनों दोस्त भी सबसे छुपकर विल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ अचानक से उनके सामने 11 आ जाती है। और हैरानी वाली बात ये होती है कि इसी रात जॉयस के पास एक कॉल आती है, लेकिन फोन पर कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अजीब सी आवाजों में जॉयस को विल की आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो फौरन समझ जाती है कि उसके बेटे विल ने उसको कॉल की है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बेटे विल से बात कर पाती, फोन में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने की वजह से फोन जलकर खराब हो जाता है। अब क्योंकि काफी रात हो गई थी, इसीलिए माइक जंगल से 11 को अपने साथ अपने घर पर ही ले आता है, जिसके बाद वो 11 को अपने रूम में छुपा देता है, जहाँ पर 11 उसे इशारों से बताती है कि मैं काफी बुरे लोगों से बचकर भाग रही हूँ। अब इसी बातचीत के दौरान माइक की और 11 की दोस्ती होने लगती है और 11 के पास सुपर पावर्स हैं। ये बात भी माइक और उसके दोस्तों को पता चल जाती है। इसके बाद 11 रूम में लगी एक तस्वीर को देखकर विल को पहचान लेती है। वो विल की तस्वीर को देखकर बस इशारा करती है और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन माइक समझ जाता है कि शायद ये जानती है, ये बता सकती है कि आखिर विल कहाँ पर है। जब 11 उनको बताती है कि असल में विल किसी मॉन्स्टर से छुपकर कहीं पर बैठा हुआ है। उधर जॉयस भी होपर को उसी फोन कॉल के बारे में बताती है, यानी कि विल की कॉल के बारे में, जिसकी वजह से उनका फोन खराब हो गया। यहाँ पर जॉयस होपर को बताती है कि फोन पर किसी जानवर की आवाज आ रही थी और उन आवाजों के बीच में मुझे विल की सांस लेने की आवाजें भी आईं। लेकिन होपर उसकी बातों को यकीन नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसके दिमाग का कोई वहम है, इसीलिए उसकी बात को इग्नोर करके विल को ढूंढने के लिए विल के फादर के घर पर जाता है। और जब वहाँ जाकर उसे ये बात पता चलती है कि विल तो यहाँ पर आया ही नहीं, तो तब उसे शक होने लगता है कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, यानी कि विल खतरे में तो नहीं है। उधर हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर की टीम जॉयस की सभी रिकॉर्डेड फोन कॉल्स को सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि विल के गुम होने पर इस लैब का और इस टीम का कोई ना कोई हाथ तो जरूर है। और फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि असल में 11 के फादर डॉक्टर ब्रेनर ही हैं, जो काफी टाइम से 11 पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस पर कोई टेस्ट करवा रहे थे। रात के टाइम नैन्सी अपनी दोस्त के साथ स्टीव के घर पर जाती है एक पार्टी के लिए, जहाँ नैन्सी की दोस्त बिल्कुल उस साइंटिस्ट की तरह गायब हो जाती है। उधर विल का भाई विल को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और अलग अलग जगहों की पिक्चर्स बनाने लगता है। इसी दौरान वो नैन्सी की और पार्टीज की पिक्चर्स भी बनाने लगता है। उसी रात एक बार फिर से जॉयस के पास विल की कॉल आती है। इस बार विल डरती हुई आवाज में बस मॉम कह पाता है और इस बार भी फोन दोबारा से जलकर खराब हो जाता है। लेकिन तभी पूरे घर में अजीब तरह की चीजें होने लगती हैं, जैसे कि लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और भी ऐसी चीजें। विल के रूम में उसका और उसके भाई का फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है। अब इस सारी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे विल अपनी मॉम को अपने यहाँ पर होने का एहसास दिला रहा हो, लेकिन तभी अचानक से एक दीवार से कोई चीज बाहर आने की कोशिश करने लगती है। एक काफी बड़ी चीज, जैसे कि कोई मॉन्स्टर, लेकिन उसका फेस नहीं होता। अब वो इतना डरावना होता है कि उसको देखते ही जॉयस काफी डर जाती है। वो घर से भागकर बाहर आ जाती है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब वो दोबारा से घर के अंदर जाती है, तो दीवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब ये देखकर विल की मॉम जॉयस फौरन समझ जाती है कि जरूर विल के साथ कुछ न कुछ तो अजीब हुआ है, और वो अपनी मॉम से, यानी कि जॉयस से बात करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब जॉयस अकेली ही इस बारे में पता लगवाने लगती है। उधर नैन्सी की दोस्त गायब होकर एक अजीब सी जगह पर आ जाती है, लेकिन तभी कोई अचानक से उस पर हमला कर देता है, जिसको कि हम नहीं देख पाते। अब नैन्सी को भी अपनी दोस्त के गायब होने का पता चलता है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। उधर स्टीव जो अपनी पार्टीज वाली पिक्चर्स विल के भाई के कैमरा में देखता है, तो वो उसका कैमरा तोड़ देता है और पार्टीज की सारी पिक्चर्स उससे लेकर फाड़ देता है। तब उन फटे हुए टुकड़ों को नैन्सी इकट्ठा कर लेती है, जिन्हें जोड़ने पर उसे एक मॉन्स्टर अपनी दोस्त जो कि गायब हो चुकी है उसके पीछे खड़ा हुआ दिखता है। और तब इसी बात का पता लगवाने के लिए वो दोबारा से अपने दोस्त स्टीव के घर पर आती है, जहाँ वो देखती है कि अचानक से वही मॉन्स्टर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, यानी वही मॉन्स्टर जिसने नैन्सी की दोस्त और उस साइंटिस्ट पर हमला किया था। तब ये देखकर नैन्सी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर जॉयस लाइट के जरिए किसी तरह अपने बेटे विल से बात करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ बदले में विल उसकी बात का जवाब भी देता है। उधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉपर को ये बात समझ आ जाती है कि विल के गायब होने में शायद इस
हॉकिंस लैब का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक तो है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि कई साल पहले एक लेडी ने डॉक्टर ब्रेनर पे केस कर दिया था, क्योंकि असल में डॉक्टर ब्रेनर ने उस लेडी की बेटी को किडनैप कर लिया था ताकि उसकी बेटी की ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके, लेकिन बाद में इस केस को बंद कर दिया गया। और यही नहीं बल्कि हॉकिंस लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को भी पास कर दिया गया। उधर अपनी पावर से 11 विल के दोस्तों को ये बताती है कि विल असल में अपने ही घर में छुपा हुआ है, लेकिन फिर अगले ही पल एक लेक से विल की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसकी वजह से माइक को ये लगता है कि 11 ने उनका झूठ कहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद 11 की बात साबित कर देती है कि विल अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, क्योंकि माइक की वॉकी टॉकी पर वो उसे विल की आवाज सुनाती है। अब जॉयस के अलावा सब लोग इस बात को मान लेते हैं कि विल मर चुका है, लेकिन जॉयस अभी भी बार बार विल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ दोनों माँ बेटे के बीच फोन पर बातें भी होती हैं। असल में विल भी वहीं पर ही फंसा हुआ था जहाँ पर नैन्सी की दोस्त को वो मॉन्स्टर अपने साथ ले गया था। यहाँ पर विल भी एक मॉन्स्टर की बात करता है जब वो अपनी मॉम जॉयस से बातें कर रहा होता है। तब ये सुनकर जॉयस उसे कहती है कि बेटा आप जहाँ कहीं पर भी हो वहीं पर ही चुप कर रहो। अब स्कूल में विल के लिए एक प्रेयर मीटिंग रखी जाती है जहाँ 11 को भी रेडी करके लाया जाता है। स्कूल रेडियो के जरिए 11 विल की और जॉयस की फोन पर होने वाली बातों को सुन लेती है, जिससे माइक के दोस्तों को भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि असल में 11 जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था, यानी कि उनका दोस्त विल अभी भी जिंदा है। 11 की बात के जरिए माइक और उसके दोस्त फाइनली ये बात पता कर लेते हैं कि विल असल में अपने घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन किसी और डायमेंशन में, और उस डायमेंशन का नाम है अपसाइड डाउन। असल में हमारी दुनिया की तरह ही अपसाइड डाउन एक दुनिया है, लेकिन वो दुनिया डार्क है, यानी कि वो अंधेरी दुनिया है, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं मॉन्स्टर्स रहते हैं, और इन मॉन्स्टर्स का नाम होता है डेमोगोर्गन्स। किसी तरह हमारी दुनिया और उनकी दुनिया आपस में जुड़ गई है, क्योंकि दोनों डायमेंशन के बीच कोई गेट खुल गया है, जिसकी वजह से एक डेमोगोर्गन यहाँ पर आकर विल को अपने साथ वहाँ पर ले गया है, यानी कि अपने दुनिया में। इसीलिए अब विल अपसाइड डाउन में कैद है। उधर नैन्सी भी विल के भाई को सब कुछ बता देती है कि किस तरह मैं तुम्हारी खींची हुई तस्वीर के जरिए डेमोगोर्गन तक पहुंच पाई। तो अब यहाँ पर फाइनली विल के भाई को भी अपनी मॉम जॉयस पर यकीन होने लगता है, और साथ में इस बात का यकीन भी कि उसका भाई विल अभी जिंदा है। इसीलिए अब वो दोनों जंगल में जाते हैं विल को और नैन्सी की दोस्त को ढूंढने के लिए, लेकिन गलती से नैन्सी अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है, लेकिन किसी तरह विल का भाई उसको बाहर निकाल लेता है, जहाँ इसके बाद वो दोनों नैन्सी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर स्टीव उन दोनों को साथ देख लेता है और जेलस होने लगता है। उधर ऑफिसर होपर भी किसी तरह विल की डेड बॉडी तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो बॉडी विल की बताई जा रही है वो असली बॉडी नहीं है, बल्कि वो तो एक नकली बॉडी है। इसी सिलसिले में वो जॉयस भी मिलता है और उसको इस सब के बारे में बताता है कि मुझे लगता है कि जरूर डॉक्टर ब्रेनर का अपसाइड डाउन से जरूर कोई ताल्लुक है। इसके बाद ये दोनों उस लेडी के घर पर जाते हैं इन्हें जिसने डॉक्टर ब्रेनर पर केस किया था, जहाँ वो उस लेडी से उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि जब वो बच्ची पैदा हुई थी तो तभी से डॉक्टर ब्रेनर ने उसे अपने साथ लैब में रखा, जहाँ ब्रेनर ने उसके दिमाग पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद सबको ये बताया कि वो बच्ची तो पैदा होते ही मर गई और उस लेडी की बेटी कोई और नहीं बल्कि 11 ही है। अब विल के दोस्त अपसाइड डाउन डायमेंशन को और समझने के लिए अपने साइंस टीचर की मदद लेते हैं, जहाँ उनके टीचर उनको बताते हैं कि किसी भी डायमेंशन को खोलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ऐसा करते ही टाइम स्पेस ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ आ जाएगी। असल में हॉकिंस लैब की मदद से अपसाइड डाउन के गेट को खोला गया था, जिसके खुलते ही डेमोगोर्गन्स एक्टिवेट हो गए, और अब ये बात हॉपर को भी पता चल गई थी। इसीलिए अब वो विल को ढूंढते हुए चुपके से उस हॉकिंस लैब में पहुंच जाता है, जहां हॉकिंस लैब में से वो अपसाइड डाउन में जाकर जिंदा वापस लौटकर भी आ जाता है। उधर माइक का दोस्त मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ को पकड़ लेता है और उस गेट तक जाने का रास्ता भी वो निकाल लेता है, जिसके बाद माइक डस्टन उनका दोस्त और 11 विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। 11 की मदद से किसी तरह वो उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी जहां पर अपसाइड डाउन का गेट खुलता है, लेकिन बीच रास्ते में ही 11 किसी वजह से डर जाती है, इसीलिए वो उन तीनों को सही रास्ते से हटाकर भटका देती है। असल में उसे ये बात पता चल जाती है कि अपसाइड डाउन में जाने का रास्ता हॉकिंस लैब पर जाकर खत्म होता है, और वो अपनी जिंदगी का खतरनाक हिस्सा वहाँ पर जी चुकी थी, इसीलिए जैसा उसके साथ हुआ वो ये नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों के साथ भी ऐसा हो। इसीलिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसने उनका रास्ता भटकाया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि असल में अपसाइड डाउन का गेट
किसी और ने नहीं बल्कि 11 ने ही खोला था, लेकिन ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया था बल्कि डॉक्टर ब्रेनर ने धोखे से उसे ऐसा करवाया था। अब यहाँ पर माइक के दोस्त को लगता है कि 11 धोखेबाज है, इसीलिए माइक और 11 के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो 11 पर काफी चिल्लाता है और इस वजह से 11 नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ गुस्से में आकर वो खाना लेने के लिए एक स्टोर में जाती है, जहाँ वो खाना चुरा कर स्टोर के ऑनर के सामने ही अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग निकलती है। उधर माइक डस्टन और उसके दोस्त को भी ये बात समझ आ जाती है कि असल में 11 ने उनकी जान बचाने के लिए ही उनसे झूठ बोला और उनका रास्ता भटकाया, इसीलिए वो लोग दोबारा से एक साथ हो जाते। लेकिन स्टोर में हुए उस इंसिडेंट की न्यूज डॉक्टर ब्रेनर तक पहुँच जाती है, इसीलिए इस बार वो 11 को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ सीधा माइक के घर आ जाते हैं और इसी वजह से चारों बच्चों को वहाँ से भागना पड़ता है, जहाँ वो लोग बचने के लिए एक बस में आके छुप जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर बाद उस बस में होपर आकर उन चारों बच्चों को रेस्क्यू करता है और सीधा उनको लेकर जाता है जॉयस के घर पर। अब यहाँ पर जॉयस और होपर दोनों ही 11 को देखकर फौरन ही ये बात समझ जाते हैं कि असल में ये बच्ची उसी औरत की बच्ची है जिसने डॉक्टर ब्रेनर पर केस किया था, जहाँ 11 की मदद से वो ये बात पता लगवा लेते हैं कि विल अपसेट डाउन में कहाँ पर छुपा हुआ है। उधर जॉयस और होपर हॉकिंस लैब में पहुँचते हैं ताकि वहाँ से अपसेट डाउन में जाकर विल को वापस ला सके, लेकिन इस बार होपर पकड़ा जाता है। तब यहाँ पर होपर डॉक्टर ब्रेनर के साथ एक डील करता है कि अगर तुमने हम दोनों को अपसेट डाउन में जाने दिया तो बदले में 11 का पता मैं आपको बता दूंगा और हाँ, तुम्हारे लैब की सच्चाई भी कभी भी किसी के सामने भी नहीं आएगी। तब इस बात पर डॉक्टर ब्रेनर मान जाता है, इसीलिए वो जॉयस को और होपर को अपसेट डाउन में जाने के लिए अलाउड कर देते हैं। अब ब्रेनर अपनी टीम के साथ 11 को पकड़ने के लिए उसके स्कूल में पहुंचते हैं, इन्हें जहां पर चारों बच्चे छुपे हुए थे। उधर नैन्सी को और विल के भाई को ये बात समझ आ जाती है कि असल में डेमोगोर्गन्स खून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग यहाँ पर डेमोगोर्गन्स के लिए एक ट्रैप बनाएंगे ताकि वो यहाँ पर हमारे घर पर आ सके और जैसे ही वो इस ट्रैप में फंस जाएं, हम उनको फौरन ही मार गिराएं। उधर अपसाइड डाउन में जॉयस और होपर फाइनली विल को ढूंढ निकालते हैं। उधर डेमोगोर्गन खून को स्मेल करते ही फौरन से विल के घर पर आ जाता है, जहाँ वो आते ही उन दोनों पर यानी कि नैन्सी और विल के भाई पर हमला कर देता है। लेकिन जब वो विल के भाई को खाने वाला होता है कि तभी बिल्कुल ठीक टाइम पर स्टीव वहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेता है। स्टीव से लड़ने के दौरान वो डेमोगोर्गन उस ट्रैप में फंस जाता है और ऐसा होते ही विल का भाई उसको जला देता है, जिससे डेमोगोर्गन का यहीं पर ही खात्मा हो जाता है। उधर जॉयस और होपर भी सही सलामत विल को अपने साथ लेकर अपसाइड डाउन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उधर डॉक्टर ब्रेनर 11 तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से स्कूल में एक डेमोगोर्गन आ जाता है। तब इस बात का फायदा उठाकर 11 वहाँ पर कुछ लोगों को मार गिराती है, फिर अपने दोस्तों को वहाँ से लेकर एक रूम में आकर छुप जाती है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर ब्रेनर के लोगों को मारने लगता है, यानी उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने इस मॉन्स्टर के लिए गेट खोला था। यहाँ तक कि डेमोगोर्गन डॉक्टर ब्रेनर को भी मारता है। डेमोगोर्गन अब उन चारों बच्चों को ढूंढते हुए उस रूम तक पहुंच जाता है और यहाँ कोई और रास्ता ना होने की वजह से माइक और अपने दोस्तों को बचाने के लिए 11 यहाँ पर अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके उस डेमोगोर्गन को मार देती है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद भी यहाँ से गायब हो जाती है। अब क्योंकि जॉयस ने और होपर ने उस लैब से विल को रेस्क्यू कर लिया था, इसीलिए विल को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहाँ कुछ ही दिनों के बाद वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। कुछ ही दिन के बाद हम देखते हैं कि विल वॉमिट करता है, जहाँ उसके मुंह से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकलता है और ऐसा होते ही विल को अपसाइड डाउन का विजन आता है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाता है, किसी को भी नहीं बताता। अगले सीन में होपर एक वीरान जगह पर 11 का फेवरेट रोड छुपा कर रखता है ताकि अगर कभी 11 वापिस आए तो होपर को ये बात पता चल जाए कि 11 अभी जिंदा है। अब इसी के साथ ही पहला सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।